हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोगों ने बायोलॉजी के मॉडल पेपर सीरीज को लॉन्च किया है, जिसमें कि अभी हम लोग फिलहाल 2020 के मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 2020 के मॉडल पेपर का पार्ट 3 कवर करेंगे, जिससे कि हमारा 2020 तक का मॉडल पेपर खत्म हो जाएगा। फिर हमारे पास बचेगा 2021 का मॉडल पेपर, फिर एक साल का मेरे पास ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ है, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है, ठीक है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज हमारा ये मॉडल पेपर 2020 खत्म हुआ। फिर कल आपके दो क्लासेज आएंगे, एक मॉर्निंग में 9 बजे, एक रात के 9 बजे, जिसमें हम लोग 2021 के मॉडल पेपर को खत्म करेंगे। फिर उसके नेक्स्ट डे में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी खत्म कर देंगे, ठीक है। बस आप सारी चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, 500+ प्रश्नकाल सीरीज को भी रिवाइज करते रहिए और मॉडल पेपर सीरीज को भी आप खुद से बैक वीडियोज को 1.5x में देखते रहिए, ठीक है, ताकि आपको याद रहेगी, तभी तो आप एग्जाम में क्वेश्चन बना पाओगे, ठीक है। याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, एक बार में चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं, ठीक है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि हर एक ज़रूरतमंद बच्चों का पहुंच सके, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि जैसे कि आज की क्लासेस 9 बजे से लेकर के 10 बजे शिफ्ट हो गई हैं, थोड़ा देर लेट हो गया क्लास रिकॉर्ड करने में, तो आपको टेलीग्राम पे मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ। तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन करना मस्ट है। उदित एकेडमी जाके सर्च कीजिए टेलीग्राम पे, वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहीं पे आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते हैं, साथ ही साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका पीडीएफ नोट्स इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, और जो मॉडल पेपर पढ़ाया जा रहा है उसका भी पीडीएफ यहीं पे मिल रहा है, ठीक है, और क्विज भी रेगुलर बेसिस पे कराए जा रहे हैं। तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपकी सहूलियत आपकी मदद के लिए होता है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने पूरे कॉन्सेप्ट को कवर किया है, ताकि इस तरीके का क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आए तो वो भी आप बना सके, अगर सेम क्वेश्चन ना भी आए तो, ठीक है। इसलिए आप थोड़ा सा पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, रुधिर वर्ग ओ वाली स्त्री ए बी रुधिर वर्ग के पुरुष के साथ शादी करती है, तो उनके पुत्र का रुधिर वर्ग कौन सा हो सकता है। तो देखिए, बात ऐसा है कि बोल रहा है जो स्त्री है वो फीमेल है, वो कौन से ब्लड ग्रुप से है, ओ ब्लड ग्रुप से, जबकि जो पुरुष है मेल है वो कौन से ब्लड ग्रुप से ए बी ब्लड ग्रुप से है, और दोनों का यदि शादी होता है तो जो उनका पुत्र होगा, उनका संतान होगा, वो किस ब्लड ग्रुप का हो सकता है, ठीक है। देखिए, ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, जिसको मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये क्लास 12th बायोलॉजी के जेनेटिक्स का चैप्टर से दिया गया है, ठीक है। देखिए, जो ब्लड ग्रुप होता है ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है, जिसमें कि 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, आपको पता है, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है, ठीक है। और जो ब्लड ग्रुप होता है वो जीन से, आई जीन, कौन सी जीन, आई जीन से रेगुलेट होता है, किस जीन से, आई जीन से। और आई जीन के 3 प्रकार के एलील होते हैं, एक होते हैं आई ए, दूसरा होता है आई बी, क्या होता है, आई बी, और तीसरा होता है स्मॉल आई, क्या होता है, स्मॉल आई। ये 3 प्रकार का एलील होता है, ठीक है, और इसी 3 प्रकार के एलील के कॉम्बिनेशन से अलग अलग जीनोटाइप बनता है, जिससे कि ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है, ठीक है। जैसे कि आपको अगर इतनी बातें समझ में नहीं आ रही हैं तो आपको चीज़ें याद रखनी है, क्या, कि ए बी ओ ब्लड ग्रुप किस जीन से रेगुलेट होता है, किस जीन से कंट्रोल होता है, तो आई जीन से। और आई जीन के कितने एलील होते हैं, 3 एलील होते हैं, कौन कौन से, आई ए, आई बी और एक स्मॉल आई, ठीक है। फिर आप देखिए जैसे कि आई ए और आई बी, जैसे आई ए और आई ए मिलेगा तो आई ए बनेगा, और वो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा, क्यों, क्योंकि दोनों ए है, ठीक है। यदि आई ए और आई बी मिलेगा तो आई ए आई बी बनेगा, यानी ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा, क्या बनेगा, ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा। यदि आई ए और स्मॉल आई, क्या, आई ए और स्मॉल आई मिलेगा, तो यहाँ पे स्मॉल आई क्या होता है, रेसेसिव होता है, जो कि अपने कैरेक्टर को नहीं एक्सप्रेस कर पाता है, जिस कारण से स्मॉल आई का कोई वैल्यू नहीं रहेगा और ये सिर्फ ए ब्लड ग्रुप ही शो करेगा, ठीक है। इसका मतलब समझ गए, यदि दोनों ए ए है तो ए ब्लड ग्रुप, ए है बी है तो ए बी ब्लड ग्रुप, ए है एगो आई है स्मॉल, तो स्मॉल आई का कोई वैल्यू नहीं होता है, इस कारण से वो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, क्लियर। अब उसी तरीके से आई बी आई ए, तो एक बी है एक ए है, मतलब ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, यदि ए बी दोनों है तो ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, यदि दोनों बी है तो बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, यदि एक बी है एक स्मॉल आई है, मतलब उसमें यहाँ पे वही बात हो जाएगा, स्मॉल आई का कोई वैल्यू नहीं, इस कारण से क्या हो जाएगा, बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अगर दोनों स्मॉल आई आ गया, मतलब जीरो नहीं कह सकते, ओ ब्लड ग्रुप माना जाता है, क्या माना जाता है, ओ ब्लड ग्रुप माना जाता है, ठीक है। तो ओ ब्लड ग्रुप कैसे होता है, जब दोनों
दोनों स्मॉल आई हो, ठीक है। इस प्रकार से आप जीनोटाइप यदि ध्यान रखेंगे तो आपका क्लियर हो सकता है क्वेश्चन। आपको ये जीनोटाइप ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे आप देखिए, ए ए मिलेगा तो ए बनेगा, ए बी मिलेगा तो ए बी बनेगा, ए और स्मॉल आई मिलेगा तो सिर्फ ए ही बनेगा क्योंकि स्मॉल आई कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर आई बी रहेगा और एक स्मॉल आई रहेगा, फिर भी बी ही बनेगा क्योंकि स्मॉल आई का फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, यही हो जाए कि दोनों स्मॉल आई हो जाए तब ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाता है, ओ हो जाता है। क्लियर। चलिए अब हम लोग उसी क्वेश्चन पे आते हैं। अगर इतना बात पता चल गया तो आप बना देंगे। जैसे कि अब क्वेश्चन में क्या था कि ओ है किसका, स्त्री का, और ए बी है किसका, पुरुष का। अब उसको क्या कराना है, क्रॉस कराना है। क्या कराना है, क्रॉस कराना है। और क्रॉस करने का तरीका मैंने पिछले क्लास में बताए थे, लेकिन अगर मैं आपको को नहीं आता है तो मैं अभी भी बताऊंगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। देखिए बोला है फीमेल जो है, महिला है, वो ओ ब्लड ग्रुप की है, और हमने बोला था कि ओ ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप कैसा होता है, दोनों स्मॉल आई होता है। अभी जस्ट हमने नीचे में पढ़ा ना कि दोनों स्मॉल आई होता है तो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, ओ। तो ठीक है, हमने लिख लिया क्या कि दोनों क्या है, टेक वन सेकेंड, दोनों क्या है, स्मॉल आई है, मतलब यही ना है, फीमेल अगर ओ ब्लड ग्रुप से है और मेल यदि ए बी ब्लड ग्रुप से है, और ए बी ब्लड ग्रुप के लिए क्या जीनोटाइप होना चाहिए, ए बी ब्लड ग्रुप दो जगह दिख रहा है और दोनों जगह क्या है, दोनों आई ए आई बी होगा, आई ए आई बी होगा। इसका मतलब है कि ए बी ब्लड ग्रुप होने के लिए दोनों का होना जरूरी है, आई ए का भी और आई बी एलील का भी। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा कि ए बी ब्लड ग्रुप के लिए दोनों है ना, आई ए आई बी दोनों है। तो इस प्रकार से अब मेल और फीमेल का हमारा जीनोटाइप आ गया। अब ये आने के बाद हम एक तरफ क्या कर देंगे, फीमेल का लिख देंगे, एक तरफ मेल का लिख देंगे, ठीक है। क्या क्या है, फीमेल का जीनोटाइप क्या क्या है, क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ है इसलिए दोनों आई हो जाएगा, स्मॉल आई। और फिर मेल का क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप है तो दोनों होगा, आई ए आई बी दोनों होगा। अब उसका क्या करेंगे हम लोग, अब उसका हम लोग क्रॉस कराएंगे। तो देखिए क्रॉस कराने का नियम क्या होता है, इसको इससे कराते हैं, फिर इसको इससे कराते हैं, फिर इसको इससे कराते हैं, फिर इसको इससे कराते हैं। क्लियर। इस प्रकार से क्रॉस होता है। जैसे कि आपको मैं मिटा के समझाता हूँ कैसे क्रॉसेज होंगी। क्लियर। देखिए अब जो बात आते हैं, जब आई ए को स्मॉल आई से कराएंगे तो आई ए स्मॉल आई लिखाएगा ना, ठीक। आई ए को स्मॉल आई से करेंगे तो वो भी सेम हो जाएगा, फिर आई बी को स्मॉल आई से तो आई बी आई, फिर आई बी को स्मॉल आई से तो आई बी आई। तो इसका मतलब है कि जो भी आपका दो ही तरीके का यहाँ जीनोटाइप देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपका संतान है, यहाँ पे ये जो बॉक्स में जितने भी बने वो आपके संतान के जीनोटाइप हैं। तो इसका मतलब है कि जो भी जीनोटाइप बन रहा है वो या तो आई ए स्मॉल आई बन रहा है या तो स्मॉल आई बी स्मॉल आई बन रहा है, दो ही टाइप का बन रहा है। और आई ए स्मॉल आई का जीनोटाइप कौन सा होता है, ये जीनोटाइप किस ब्लड ग्रुप का है, ए ब्लड ग्रुप का है, क्योंकि मैंने बोला था ना कि स्मॉल आई का कोई वैल्यू नहीं है तो ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा। उसी तरीके से आई बी स्मॉल आई में भी क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा पता चल गया, जब इसको क्रॉस कराएं तो आपका या तो संतान ए ब्लड ग्रुप से होगा या तो संतान बी ब्लड ग्रुप से होगा। क्या तो होगा, या तो संतान ए ब्लड ग्रुप से होगा या तो संतान बी ब्लड ग्रुप से होगा। क्लियर, समझ रहे ना, क्लियर हुआ। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है। अब यही चीज़ आपको क्वेश्चन में दे दे कि महिला ए बी ब्लड ग्रुप से है, पुरुष ओ ब्लड ग्रुप से है, तब आप उसका जीनोटाइप लिख करके इस तरीके से क्रॉस कराइए और आंसर लाइए, ठीक है। तो ए ब्लड ग्रुप या फिर बी ब्लड ग्रुप, तो आंसर हो जाएगा ए या फिर बी, दोनों में से कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। क्या आपको समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो आप जो लाइव देख रहे हैं उसके बाद आप फिर से इस वीडियो को देख लीजिएगा और कॉपी में लिख करके देखिएगा, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से मैंने कॉन्सेप्ट लिया। देखिए चाहता तो मैं डायरेक्ट आंसर बता के निकल जाता, लेकिन क्या आंसर बताने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता नहीं ना, इस कारण से मैं यहाँ पे पूरे कोशिश किया कि इतना कम टाइम है इसमें भी शॉर्ट वे में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए कि आप यदि कोशिश करें तो आपसे हो जाए इस प्रकार के क्वेश्चन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थ्री, ए या फिर बी रुधिर वर्ग। इस ये कॉन्सेप्ट यदि आपने सीख लिया तो आप कितना भी क्वेश्चन आ जाए कि महिला ये है, बहुत बच्चे कंफ्यूज होता है कि महिला यदि ए बी है पुरुष ओ है या फिर महिला ए है पुरुष ओ है, इस तरीके से कितना भी क्वेश्चन आ जाए तो आप बना लेंगे। बस आपको उसका जीनोटाइप पता होना चाहिए, जीनोटाइप के लिए ये टेबल ध्यान में होना चाहिए, ये टेबल ध्यान होने के बाद आपको क्रॉस करने आना चाहिए, क्रॉस करने आ गया बस वहां से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बच्चा हो रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया सभी को। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मीसोग्लिया किस संघ के जंतुओं में होती है। तो देखिए जो मीसोग्लिया क्या है, तो आपको ये दिख रहा होगा, जो मीसोग्लिया होता है एक प्रकार का जिलेटिनस सब्सटेंस है। जिलेटिनस मतलब कहने का अर्थ चिपचिपा द्रव्य, क्या है, चिपचिपा द्रव्य है, जो कि किसके अंदर पाया जाता है, तो सिलेंट्रेटा के अंदर पाया जाता है। जैसे कि ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये आपको हाइड्रा का डायग्राम दिखाया जा रहा है, और हाइड्रा किस एनिमल किंगडम के किस फाइलम
फाइलम से बिलोंग करता है तो सिलेंट्रेटा से, और सिलेंट्रेटा का एक और नाम क्या है, निडेरिया है। क्या है? निडेरिया है। तो सिलेंट्रेटा का ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उसमें मीसोग्लिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मीसोग्लिया पाया जाता है। क्लियर? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिलेंट्रेटा। अगर ऑप्शन में निडेरिया देता तो आंसर निडेरिया भी होता। क्यों? क्योंकि सिलेंट्रेटा को ही एक और नाम क्या है, निडेरिया भी है। क्लियर हो गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टॉपिक से रिलेटेड है कि हाइड्रा का कोई सा भी टुकड़ा पुनर्उद्भवन कर सकता है यदि उसमें उपस्थित हो। जैसे कि हमने बताया कि हमें पता है कि हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन होता है, यानी बडिंग होता है। उसमें कोई भी टुकड़ा अगर हाइड्रा का है तो वो नया टुकड़ा बन करके क्या कर सकता है कि फिर से वो एक नया हाइड्रा बन सकता है। क्या बन सकता है? नया हाइड्रा बन सकता है। तो ऐसा क्यों है? हमने पढ़ा है कि हाइड्रा, अभी हमने तुरंत बताया कि वो किससे बिलोंग करता है, सिलेंट्रेटा से बिलोंग करता है, यानी निडेरिया। अगर कोई भी बोल दे एकदम सिलेंट्रेटा बोले चाहे निडेरिया, तो उसमें क्या है, एक प्रकार का मीसोग्लिया पाया जाता है। देखिए जो हाइड्रा है यानी निडेरिया है उसमें मीसोग्लिया पाया जाता है, और हाइड्रा में खास करके जो मीसोग्लिया पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? बाह्य जनन स्तर और अंतःजनन स्तर के बीच में। कहाँ? बाह्य जनन स्तर और अंतःजनन स्तर के बीच में पाया जाता है, और यही तीनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर के कारण हाइड्रा में पुनर्उद्भवन भी हो सकता है। तो इस कारण से आपका आंसर हो जाएगा ये सभी, कि हाइड्रा का भी कोई भी टुकड़ा पुनर्उद्भवन कर सकता है क्योंकि उसमें बाह्य जनन स्तर भी है, आंतरिक जनन स्तर की वही उपस्थिति है, और मीसोग्लिया की भी उपस्थिति होती है। क्लियर? समझ रहे ना? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्विनिषेचन में त्रिगुणित केंद्रक से किसका निर्माण होता है। जैसे कि आपको एक डायग्राम में दिखा रहा हूँ, यदि आप क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 में पढ़े होंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, क्या कि आपको जो द्विगुणित द्विसूत्री जो कि क्या है, एक सेकेंड, टेक वन सेकेंड जी। देखिए आप क्वेश्चन भी साथ क्लियर दिखेगा। द्विनिषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? एंजियोस्पर्म का। किसका? एंजियोस्पर्म का है, जो कि एंजियोस्पर्म में क्या पाया जाता है? द्विनिषेचन पाया जाता है। और द्विनिषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है? जब द्विनिषेचन हो रहा है तो दो चीज बनेगा, एक बनता है जायगोट। क्या बनता है? जायगोट, जो कि द्विगुणित होता है यानी डिप्लॉयड होता है, यानी 2n होता है। और एक बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनता है? PEN यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि ट्रिप्लॉयड होता है यानी 3N होता है, त्रिगुणित होता है। तो ये त्रिगुणित के बारे में ही पूछ रहा है कि आखिर जो त्रिगुणित है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो त्रिगुणित जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, द्विनिषेचन में त्रिगुणित केंद्रक यही प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस त्रिगुणित केंद्रक है वो किसका निर्माण करता है? तो ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है त्रिगुणित है, ये किसका निर्माण करेगा? एंडोस्पर्म का। किसका? एंडोस्पर्म का। और एंडोस्पर्म को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? भ्रूणपोष कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूणपोष कहते हैं। क्लियर? तो देखिए द्विनिषेचन के फलस्वरूप जो त्रिगुणित केंद्रक बनता है उससे जो फलस्वरूप आगे जो बनता है वो क्या बनता है? इंडोस्पर्म बनता है। और इंडोस्पर्म क्या होगा? वो भी ट्रिप्लॉयड होगा यानी त्रिगुणित होगा। फिर आपसे पूछेगा कि जायगोट जो है भ्रूण जो है वो किसमें तब्दील हो जाता है? तो वो एम्ब्रियो बना लेता है। क्या बना लेता है? एम्ब्रियो बना लेता है। ठीक है, जायगोट एम्ब्रियो में तब्दील हो जाता है। और ये जो PEN है त्रिगुणित केंद्रक है वो एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? चलिए अब हम लोग, और ये जो भ्रूणपोष का काम होता है वो क्या होता है, जैसे कि उसके अंदर जो भी है ये फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करके रखता है, जो भी फूड मटेरियल है वो एब्जॉर्ब करके रखता है। ठीक है, और नए पौधा जब उगने लगता है इससे तो उसको क्या करते, उसको क्या देता है? खाना प्रोवाइड कराता है। क्या? पोषण प्रोवाइड कराता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वास्तविक गुहिका जंतुओं की देह भित्ति तथा आहार नाल के बीच जो गुहा होती है किससे विकसित होती है? देखिए ऐसा है कि जो कि जो भी मनुष्य है, आप मनुष्य का ही एग्जांपल ले लीजिए, उसमें यदि आपका आहार नाल है, एलिमेंट्री केनाल है, और ये आपका गर्दन है, बीच से आपका क्या जा रहा है? ईसोफेगस जा रहा है। तो ईसोफेगस है ना, ये एलिमेंट्री केनाल है और ये आपका गर्दन है। तो गर्दन और फिर एलिमेंट्री केनाल के बीच का जो स्पेस है, कौन कौन सा? गर्दन और एलिमेंट्री कैनाल के बीच जो स्पेस है, ये स्पेस किस लेयर से बना होता है, किस जर्म लेयर से, किस जनन स्तर से बना होता है? जैसे कि आपको पता है कि तीन प्रकार के जनन स्तर होते हैं, जर्मिनल लेयर होते हैं। कौन कौन सा? बाह्य जनन स्तर जिसको हम लोग एक्टोडर्मल कहते हैं, फिर मध्य जनन स्तर जिसको मीजोडर्मल कहते हैं, और फिर अंतर जनन स्तर जिसको एक्टोडर्मल कहते हैं, एंडोडर्मल कहते हैं, सॉरी
क्या कहते हैं एंडोडर्मल लेयर कहते हैं। तो ये तीनों लेयर में जो एलिमेंट्री कैनाल है और एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी यानी देह के गुहा के बीच जो स्पेस बनता है, एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी के बीच का जो स्पेस बनता है वो किस लेयर से विकसित होता है, किस जनन स्तर से, तो मध्य जनन स्तर से। किससे? मध्य जनन स्तर से। क्लियर? आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। किससे? मध्य जनन स्तर से। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। तो भैया आपको सीधा सीधी याद रखना है कि मानव के कपाल में तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 24 होती है, यानी 12 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। जितने भी स्तनधारी हैं उसके तंत्रिकाओं में, टेक वन सेकेंड, हाँ सही बोल रहा हूँ मैं, मैमल्स जो भी है, स्तनधारी है, मैक्सिमम मैमल्स में जो कपाल है उसमें तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 24 होती है, यानी 12 जोड़ी होती है। जबकि कौन कौन सा? पाइसेज और एम्फीबियंस। पाइसेज मतलब मत्स्य और एम्फीबियन मतलब उभयचर, जिसमें कि मेढक आता है। तो मत्स्य ग्रुप और उभयचर ग्रुप में कितना पाया जाता है? 10 जोड़ी पाया जाता है। कितना? 10 जोड़ी तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं उनके कपाल में। ठीक है, मानव के कपाल में कितनी पाई जाती हैं? 12 जोड़ी पाई जाती हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के ऊपर किस संघ के जंतुओं में प्रवार होता है? देखिए प्रवार होता है, प्रवार क्या है? कैल्केरियस सेल है। किसको हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, इंग्लिश में कैल्केरियस सेल कहते हैं, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ये हार्ड लेयर होता है। क्या होता है ये जो प्रवार होता है? वो किस में होता है भैया? तो मोलस्का में होता है। किस में होता है? मोलस्का में होता है। जैसे कि मोलस्का का एग्जांपल है, दो एग्जांपल आपको ध्यान रखना, एक होता है पाइला, दूसरा होता है ऑक्टोपस। ये दोनों एग्जांपल कम से कम आप जरूर ध्यान रखेंगे कि मोलस्का फाइलम से बिलोंग करता है, पाइला और ऑक्टोपस। और यही मोलस्का जो संघ है इसी के जंतुओं का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो कि एक स्पेशल फीचर है कि उसमें प्रवार पाया जाता है, यानी एक हार्ड कवर पाया जाता है। ठीक है, जो कि उसके बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मोलस्का में। किसमें? मोलास्का में। शरीर के ऊपर किस संघ के जंतुओं में प्रवार होता है? तो मोलास्का में होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गर्भ निरोधक की निम्न में से विधि है। देखिए जो गर्भ निरोधक विधि है वो दो प्रकार की होती हैं। आपको पता होना चाहिए कि एक नेचुरल मेथड होता है, एक केमिकल मेथड होता है, और एक प्रकार का बैरियर मेथड भी होता है। ठीक है, तीन प्रकार से रोका जा सकता है। एक होता है क्या? नेचुरल मेथड, एक होता है बैरियर मेथड, और एक होता है केमिकल मेथड। ठीक है, तो मैं सभी मेथड्स को डिस्कस यहाँ पे नहीं करूँगा, क्योंकि अभी हमारे पास उतना भी समय नहीं है, कि क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी आधे घंटे का एक टॉपिक है, कि हर तरीके के रिप्रोडक्टिव मतलब गर्भ निरोधक नियम को मतलब पढ़ाया जाता है। लेकिन अभी मैं काम चलाऊ बता सकता हूँ जितने ऑप्शंस हैं। देखिए जो नेचुरल मेथड है उसमें से दो आपके ऑप्शन में है, आवर्ती विधि और संभोग व्यवधान। आवर्ती विधि को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं पेरियोडिक एब्सटिनेंस। क्या कहते हैं? पेरियोडिक एब्सटिनेंस। इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ पे जो तीनों हैं, तीनों एक प्रकार का क्या है? गर्भ निरोधक है। मैं तीनों का एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, कौन क्या है, क्योंकि ये भी पूछ देता है कि अगर ऐसा है तो वो कौन सा विधि है। तो आपका जो आवर्ती विधि में क्या होता है, ये एक इंग्लिश में कहते हैं पेरियोडिक एब्सटिनेंस, और इसका मतलब ये होता है कि जब कोई लड़की, देखिए कोई भी लड़की है तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मासिक चक्र होता है, और मासिक चक्र कितने दिन का होता है? लगभग 28 से 22 से 28 दिन का होता है। तो उसका जो मासिक चक्र है उसमें 10वें से 17वें दिन, कितना? 10वें से 17वें दिन क्या करता है पुरुष? उसके साथ संभोग करने के लिए, मतलब उसको मतलब संभोग से बचता है। कितना दिन? 10वें से 17वें दिन तक उसके पे, उसका मेंस यदि 1 तारीख से स्टार्ट हुआ है तो उसका 10 तारीख से 17 तारीख तक उसके साथ जो उसका मेल पार्टनर है उसके साथ वो सेक्स नहीं करेगा, संभोग नहीं करेगा, क्योंकि ये जो 10वें से 17वें दिन है फर्टाइल पीरियड होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांस है कि इसी 7वें दिन के बीच में ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन मतलब क्या होगा, कि अंडा का अंडाणु बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पे लोग सेक्स को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, सेक्स नहीं करते हैं। तो इस विधि को हम लोग आवर्ती विधि कहते हैं। तो आपके एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर ऐसा है कि कोई मेल है वो अपने फीमेल पार्टनर के साथ अपने मेंस, जैसे फीमेल के मेंस है यानी मासिक चक्र है, उसमें 10वें से 17वें दिन तक वो संभोग नहीं कर रहा है, तो ये कौन से विधि को वो अपना रहा है? तो आवर्ती विधि को। कौन सी विधि को? आवर्ती विधि को। यही होता है संभोग व्यवधान, जिसको हम लोग क्वाइटस इंटरप्टस कहते हैं, और
क्वाइटस इंटरप्टस कहते हैं, संभोग व्यवधान, ठीक है, क्वाइटस इंटरप्टस इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे कि मेल पार्टनर है और फीमेल पार्टनर है, दोनों सेक्स कर रहे हैं यानी संभोग कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों का इंटरकोर्स हो रहा है, संभोग हो रहा है, और संभोग होने के दौरान ही क्या होता है कि मेल को पता चल जाता है कि नहीं अब हमारा इजेकुलेशन होने वाला यानी स्पर्म बाहर आने वाला है, तो वो जस्ट स्पर्म के इजेकुलेशन से पहले वेजाइना से अपने पेनिस को बाहर निकाल लेता है। मतलब इंटरकोर्स तो होता है लेकिन यहाँ इंसेमिनेशन नहीं होता है। मतलब जो इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है कि मेल गैमिट फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर नहीं पहुँचता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही स्पर्म का इजेकुलेशन होने वाला होता है तो वो मेल पार्टनर क्या करता है, अपने पेनिस को बाहर निकाल लेता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि यदि कोई कपल है, मतलब जो कि आपस में संभोग कर रहे हैं, और उसमें जो मेल पार्टनर है वो क्या करे, अपने पेनिस को इजेकुलेशन से जस्ट पहले बाहर निकाल ले, तो उस विधि को हम लोग संभोग व्यवधान विधि कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्वाइटस इंटरप्टस कहते हैं। मैं भी कुछ चीज़ें अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये सभी चीज़ें एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, बिल्कुल क्लियर कट, ठीक है। मैं एनसीईआरटी नहीं पढ़ा पाया हूँ इस बार क्योंकि समय कम था, लेकिन अगले बार के बैच में एनसीईआरटी के एक एक लाइन को क्लियर करूंगा, क्योंकि यदि एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो 50 में से 50 क्वेश्चन हम लोग एग्जाम में सही करके आएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों को डरना नहीं है, मैक्सिमम पार्ट्स कवर किया है हमने, बहुत ज़्यादा कोशिश करा है कि मैक्सिमम चीज़ें कवर हो, और इस बार भी बेटर होगा, जितना समय है उसी में बेस्ट देने का कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। ये हो गया संभोग व्यवधान। अब हमारा है रासायनिक पदार्थ का प्रयोग। भैया रासायनिक पदार्थ का प्रयोग, जैसे कि महिला लोग क्या खा लेती हैं, सहेली नाम का टैबलेट है ना, जो कि वो खाती हैं, तो उससे क्या होता है कि अगर उनके बीच संभोग हो भी जाता है तो वो क्या होता है, कंसीव नहीं करती हैं, प्रेग्नेंट नहीं होती हैं। तो ये तीनों एक प्रकार का क्या है, गर्भ निरोधक विधि है। और भी कुछ प्रकार की विधियाँ होती है, जैसे कि बैरियर विधि में कॉन्डोम होता है, मेल कॉन्डोम होता है, फीमेल कॉन्डोम होता है, ये बैरियर मेथड के अंदर आता है। तो बहुत सारे नियम हैं जो कि गर्भ निरोधक के नियम हैं। तो ये तीनों जो ऑप्शन है, ये तीनों भी क्या है, गर्भ निरोधक की विधि है। तो इस कारण से इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, क्लियर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्या सभी को क्लासेस समझ में आ रही हैं? जी अगर समझ में आ रही है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सेशन को, ठीक है, ताकि हर एक बच्चा तक पहुंच सके, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन तो आप लोगों को पता होगा, ये क्वेश्चन तो आप सभी लोगों को पता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग सर्वग्राही होता है। सर्वग्राही मतलब क्या, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, और ए से एक्सेप्टर यानी ए बी ब्लड ग्रुप, कौन सा हो जाएगा, ए बी ब्लड ग्रुप। यही पूछता है सर्वदाता कौन सा होता है, तो डोनर, यूनिवर्सल डोनर, और डोनर में कौन सा वर्ड ज़्यादा जोर पड़ता है, ओ पे, डोनर, ओ वाला, तो इसका मतलब है यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा ओ ब्लड ग्रुप, यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो जाएगा, सर्वग्राही हो जाएगा ए बी ब्लड ग्रुप, क्लियर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों को बैंथम एवं हुकर ने कितने कुल में वर्गीकृत किया था। तो देखिए बैंथम एवं हुकर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था कि नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था, यानी प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति को प्रकाशित किया था अपने किस बुक में, जेनेरा प्लांटेरम नाम के पुस्तक में, ठीक है। और इन्होंने क्या दिया था, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम यानी प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति दिया था। और इन्होंने पादपों को कितने कुल में वर्गीकृत किया था, तो कुल मिला के 202 फैमिली यानी हिंदी में बोले तो कुल, तो 202 कुल में वर्गीकृत करा था, तो आंसर हो जाएगा 202 कुल। फिर आपको कैरोलस लिनियस के बारे में ध्यान रखना है कि कैरोलस लिनियस किस दिए थे, द्विजगत वर्गीकरण पद्धति यानी टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था, तो कैरोलस लिनियस ने दिया था। और फादर ऑफ क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकी के पितामह किसे कहते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी किसे कहते हैं, वो कैरोलस लिनियस को कहते हैं, वर्गीकी के पितामह किसे कहते हैं, कैरोलस लिनियस को। फिर पांच जगत वर्गीकरण से पद्धति किसने दिया था, पांच जगत वर्गीकरण पद्धति यानी फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, वो आर एच विटेकर साहब ने 1969 में दिया था। ये तीनों साइंटिस्ट के नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। आर एच विटेकर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम से, जो कि आपको मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैंसर रोग के कारकों को कहते हैं, तो कैंसर रोग के कारक को हम लोग कार्सिनोजेन्स कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्सिनोजेन्स कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एलिजा का पूरा नाम, भैया मैंने तो भर भर के बताया हुआ है कि एलिजा का पूरा नाम क्या होता है, मैंने भर भर के बताया कि एलिजा का क्या होता है, एचआईवी का क्या होता है, एड्स का क्या होता है, जी हाँ ये सब इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ध्यान रखना है, फुल फॉर्म है। तो एलिजा का क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, जो कि फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे हो जाएगा, ठीक है। फिर चलिए मैं पूछता हूँ आप लोगों से, एचआईवी का क्या होता है फुल फॉर्म, तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है। फिर एड्स का क्या होता है फुल फॉर्म, तो एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, क्लियर। पीसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है,
तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और भी कुछ कुछ हैं, जैसे ZIFT ZIFT का क्या होता है, तो जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। IUT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर होता है। GIFT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो गैमिट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर होता है। तो ये सब आपको चीज़ें याद रखनी है। IUD का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंट्रा यूटराइन डिवाइसेज होती हैं। तो ये सब फुल फॉर्म आपको मैंने क्लासेज में करवा रखा है अभी तक में, तो आपको ये सब चीज़ें रिवाइज करते रहिए। आप बैक वीडियो पर डे आपका टारगेट होना चाहिए कम से कम मेरे 5 लेक्चर को 1.5x पे आप लोग देखेंगे। कितना पे? 1.5x पे 5 लेक्चर को पर डे आप देखेंगे, अभी से जितना भी समय बचा हुआ है कवर करेंगे, और आगे जो भी चीज़ें बची है 2021 का मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मैं सभी चीज़ें कवर कर दूंगा अपने जानते हुए, पूरा कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, 5 जगत वर्गीकरण में प्रोकैरियोटिक जीवों का किस जगत में स्थान मिला है। तो ये क्वेश्चन वो बच्चे करेंगे जो कि मैंने 5 जगत वर्गीकरण जो करवाया था पहले मॉडल पेपर सीरीज में, कहीं आया था क्वेश्चन वहाँ पे, मैंने पूरे 5 जगत मॉडल पेपर को, मतलब 5 जगत जो वर्गीकरण पत्ती है पूरे एक्सप्लेन किया था कि कैसे कैसे बांटा था RH व्हिटेकर ने, तो वो बच्चे जरूर बताएंगे। जैसे कि मैं एक बार और बताता हूँ यहाँ पे, कैसे बताता हूँ, देखिए इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, देन आपको क्लियर विजिबल होगा। क्लियर विजिबल है ना? ठीक है, चलिए देखिए, जो 5 जगत वर्गीकरण है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, वो किसने दिया था, तो RH व्हिटेकर साहब ने दिया था, और कब दिया था, तो 1969। इसका हिस्ट्री भी याद रखिए क्योंकि हिस्ट्री काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी बार पूछा जाता है। 1969 में किया था RH व्हिटेकर साहब ने। फिर उन्होंने कैसे 5 जगत जो बांटा, वो कौन कौन सा 5 जगत था, तो पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंगी, चौथा था प्लांटाई, पांचवा था एनिमेलिया। ठीक है, तो पूरे ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें से जितने भी प्रोकैरियोटिक हैं, जितने भी प्रोकैरियोटिक हैं उसको किसमें बांटे, उसको किसमें दे दिया था, मोनेरा में दे दिया था। और प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, बैक्टीरिया वगैरह होता है, तो जितने भी प्रोकैरियोटिक हैं उसको किसमें दे दिया था, मोनेरा में दे दिया था। अब देखिए यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा ना कि क्या 5 जगत वर्गीकरण में प्रोकैरियोटिक जीवों को किस जगत में स्थान मिला था, तो मोनेरा में मिला था। किस में मिला था, मोनेरा में मिला था। मैंने पहले भी बताया था कि इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं कि मोनेरा में मिला था। ठीक है, अब उसी प्रकार से अगर और क्वेश्चन इस बार आने का होगा, देखिए ये टॉपिक मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है, यहाँ से हो सके क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए, तो आपको ये ध्यान रख लेना है, टेबल याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक को किस में बांटा गया है, मोनेरा में। फिर आपसे पूछ दे कि यूकैरियोटिक में तो सभी है, प्रोटिस्टा, प्लांटाई, फंगी, एनिमेलिया, लेकिन यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक हो और एक कोशिकीय हो, तो उस जीवों को किस में रखा गया है, तो प्रोटिस्टा में रखा गया है। किस में? प्रोटिस्टा में रखा गया है। फिर आपका क्वेश्चन आ जाएगा इस प्रकार से कि यूकैरियोटिक हो और मल्टी सेलुलर हो, लेकिन बहुकोशिकीय हो और साथ ही साथ उसमें सेल वाल हो, क्या हो, सेल वाल हो, और वो फोटोट्रॉपिक हो। देख रहे हैं कितना लंबा जा रहा है, यूकैरियोटिक, मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय, मल्टी सेलुलर है, ठीक है, यूकैरियोटिक है, उसके बाद सेल वाल भी है, और उसको फोटोट्रॉपिक है, मतलब वो खाना खुद से बना सकता है, तो वो कौन है, प्लांट है। यही पूछ दे कि यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है, सेल वाल भी है, लेकिन हेटरोट्रॉपिक है, यानी अपना खाना खुद से नहीं बना सकता, उसमें क्लोरोफिल नहीं है, इसका मतलब वो कौन सा हो जाएगा, फंगी हो जाएगा। फिर यही बोल दे कि यूकैरियोटिक हो, मल्टी सेलुलर हो, और वो विदाउट सेल वाल हो, मतलब उसमें सेल वाल नहीं हो, जैसे कि एनिमल सेल में सेल वाल नहीं होता है, कोशिका भित्ति नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एनिमेलिया हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं इस टेबल से। तो आपको मेरा कहना है कि टेबल को ध्यान में रखिए, याद रखिए, क्योंकि जो बच्चा मेरे बात को याद रखेगा, अगर मेरे बच्चे कम से कम 1000-2000 बच्चे यदि देखते हैं मेरे लेक्चर्स को रेगुलर बेसिस पे, 1000-1500 बच्चे, तो ऐसा नहीं है कि वो 1000-1500 बच्चे सभी को याद हो जाता है, उसमें से कम से कम 100-200 बच्चे जरूर ऐसे होंगे मेरे रेगुलर बच्चे जो कि मेरे लेक्चर्स को रिपीट करते होंगे, क्या करते हो, रिवाइज करते होंगे। अभी आपके पास समय है, 4-3 घंटा रोज समय निकाल के रिवाइज कीजिए, क्योंकि जब तक याद नहीं रहेगा चीज़ें, फिर आप वहाँ एग्जाम बनाओगे, लगेगा कि सर पढ़ाए थे लेकिन मैं बना नहीं पाया, फिर उसमें तो ना मैं दोषी होऊंगा, फिर तो आपको प्रॉब्लम होगी ना, मेरे को क्या प्रॉब्लम होगा। तो मेरा तो काम है कि आपको हर एक चीज़, देखिए काम चोरी नहीं करता हूँ, कम क्वेश्चन करवाता हूँ, लेकिन जो भी क्वेश्चन करवाता हूँ फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ करवाता हूँ, ये मेरा काम होता है। ठीक है, क्योंकि मेरा अगर जो 10 क्वेश्चन करवा दिए, और 10 क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि 10 में से कोई दोगा आ ही जाए, लेकिन अगर मैं 5 ही क्वेश्चन करवाऊँ लेकिन 5ों क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को भी कवर करूँ, तो भाई हो सके कि अगर 5 में से 2 भी 3 भी मिल सकता है। क्यों? क्योंकि पूरे कॉन्सेप्ट को, सेम क्वेश्चन कभी एग्जाम में कवर रिपीट नहीं होता है, मैं बोलता हूं ना, क्वेश्चन सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। जैसे इस प्रकार से मैंने कॉन्सेप्ट कवर कर लिया, जैसे ABO ब्लड ग्रुप वाला सिस्टम वाला, कि A को B से कराएंगे, B को O से कराएंगे, O है, AB है, सभी तरीके के कॉन्सेप्ट को मैंने कवर किया ना।
इसी तरीके से मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को लगभग 50 से 60 कॉन्सेप्ट को अभी तक मैं कवर कर लिया है 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज और मॉडल पेपर सीरीज में मिला करके। ठीक है, आप लोग अभी भी समय है, रिवाइज करते रहिए, जितने बार जो जितना घिसेगा वो उतना चमकेगा। ठीक है, अभी से आप लोग ठान लीजिए कि मतलब पर डे 2-3-4-5-5-5 लेक्चर पर डे देखिए, रिवाइज करते रहिए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए, ये भी क्वेश्चन जो बच्चे लगातार रिवाइज कर रहे होंगे वो बना देंगे, क्योंकि एक बार और क्वेश्चन ये वाला आ चुका है, एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होता है। तो देखिए, जो माइटोकॉन्ड्रिया में ये देखिए माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, और ये कौन सा मेम्ब्रेन है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन मतलब आंतरिक माइटोकॉन्ड्रियल दीवार है, ठीक है, झिल्ली है, और इसमें ही एक प्रकार का अंदर में क्या है, मैट्रिक्स है। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इनर है, ये आउटर है, तो इसके अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, और ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के अंतर्गत ही एक प्रकार का सिस्टम पाया जाता है, जिसको हम लोग एफ नोड और एफ वन पार्टिकल कहते हैं। तो एफ नोड जो होता है वो बिल्कुल दीवार पर होता है, लेकिन एफ वन जो होता है वो कहाँ होता है, एफ वन जो होता है वो मैट्रिक्स के अंदर होता है, और यही F1 कण, क्या, F1 पार्टिकल के ही अंदर क्या बनता है, ATP का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ATP का निर्माण होता है, और एक ATP बनने के लिए क्या क्या जरूरत है, एक ADP और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और 2 HH+ आयन, क्या ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस 2 H+ आयन, देन एक ATP बन जाता है। ठीक है, तो ATP का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ होता है, तो F1 कण में होता है, F1 पार्टिकल में होता है। क्लियर, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, मैंने इस क्वेश्चन के एग्जाम्पल को भी डिस्कस करा था, ये क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 के डायग्राम से क्वेश्चन आया हुआ है, देख रहे हैं ना, NCERT से, बिल्कुल NCERT से क्वेश्चन है। ठीक है, मैं दिखाऊंगा कि भी NCERT से कहाँ से क्वेश्चन है, देखिए वही तो बता पाएंगे ना जो NCERT के लाइन बाय लाइन को पढ़े। देखिए मैं भी मतलब मैंने NCERT के लाइन बाय लाइन को पढ़ रखा है, इसलिए मुझे पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन किस लाइन से है और किस पेज से है, किस चैप्टर से है, ये तक मैं बता सकता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि NCERT के वो डायग्राम, और कुछ कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं जो कि NCERT से बाहर हो जाते हैं, और वो एक दो के चक्कर में क्यों हम पढ़े, पहले 48 क्वेश्चन को फिक्स कर ले, फिर वो एक दो क्वेश्चन भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये जो आलू, अदरक, अगेव, ब्रायोफाइलम तथा जलकुंभी में पाया जाने वाला कायिक प्रवर्धों का ठीक क्रम है, तो आपको याद होना चाहिए कि आलू में कौन सा होता है, अदरक में कौन सा होता है, अगेव में, ब्रायोफाइलम में और जलकुंभी में। इसके लिए एक डायग्राम आपके NCERT में दिया हुआ है, ये वाला डायग्राम, और उसमें एक बगल से यही लिखा हुआ है कि आलू में क्या पाया जाता है, आलू की आँख होती है, क्या होती है, आँख होती है, इंग्लिश में बोले तो आलू में आई बड होता है, क्या होता है, आई बड होता है। फिर अदरक में परकंद होता है, क्या होता है, अदरक में परकंद होता है, इंग्लिश बोले तो राइजोम होता है, क्या होता है, RHIZOM, राइजोम होता है। फिर अगेव में क्या होता है, बल्बिल, क्या होता है, अगेव का बल्बिल होता है। फिर ब्लायोफाइलम में पर्णकलिका है, यानी लीफ बड होता है, ये जो ब्रायोफाइलम है उसमें लीफ बड होता है। और जल हाइसिंथ, यानी क्या, जो जल कुंभी होता है ना पोखर सब में, उसी को हम इंग्लिश में वाटर हाइसिंथ कहते हैं, हिंदी में जल हाइसिंथ कह रहे हैं, उसमें क्या पाया जाता है, तो भू स्तरिका, जिसको इंग्लिश में ऑफसेट कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑफसेट कहते हैं, यानी भू स्तरिका कहते हैं। तो ये चीजें आपको रहना है, क्या, आलू में आंख, अदरक में परकंद जिसको इंग्लिश में राइजोम कहेंगे, बल्बिल, अगेव का बल्बिल, फिर ब्रायोफाइलम में लीफ बड यानी पर्णकलिकाएं, और ये जो वाटर हाइसिंथ है उसमें क्या पाया जाता है, भू स्तरिका यानी ऑफसेट पाया जाता है। ठीक है, अगर इतना याद है तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को जरूर याद कर लेंगे, कवर कर लेंगे। लेकिन हाँ, एक भी याद होगा तो ऐसा, अगर ऑप्शन जैसे सेट किया हुआ आप एक भी याद है तो आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि पहला ही ऑप्शन है, सीक्वेंस भी बताना है, आलू का क्या होता है, आँख होता है, पहला ऑप्शन में क्या है, भू स्तरिका होगा नहीं, पर्णकलिका होगा नहीं, आँख, जी हाँ, आलू का आँख होता है, बस आंसर हो गया, क्योंकि सीक्वेंस में बताना है ना, तो आलू का आँख होता है, अगर अदरक का परकंद होता है, अगेव का बल्बिल होता है, ब्रायोफाइलम का पर्णकलिका होता है, और जलकुंभी का भू स्तरिका होता है। क्लियर, तो इस तरीके से आपको चीज़ें याद रखनी होंगी। क्लियर हो गया ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेड डाटा पुस्तक में आंकड़े होते हैं। तो देखिए, रेड डाटा पुस्तक उसको लिखा जाता है, मतलब रेड डाटा नाम का एक पुस्तक है जिसमें कि उसका आंकड़ा को दर्शाया जाता है, जो भी जाति है जिसका कि एक्सटिंक्शन होने वाला है, वो विलुप्त होने वाले हैं, संकट में है, अब उनका विलुप्त हो जाएगा अगर उनको प्रिजर्व नहीं किया जाए, उनका कंजर्वेशन नहीं किया जाए, उनका संरक्षण नहीं किया जाए, तो वो क्या होगा, उनका विलुप्त हो जाएंगे, क्या होंगे, विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो जो भी संकटमयी जाति होते हैं उनका नाम किसमें लिखा जाता है, रेड डाटा पुस्तक में लिखा जाता है। क्लियर,
तो सभी को क्लियर हो गया ये भी क्वेश्चन, रेड डाटा पुस्तक का आंकड़ा किसमें किसको लिखा जाता है, संकटमयी जातियों को लिखा जाता है, क्लियर। चलिए अब हमारा क्या हो गया, 2020 का भी मॉडल पेपर समाप्त हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, 2021 का मॉडल पेपर, फिर हमारे पास बचा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो भी मैं पर डे दो दो क्लासेस ले लेके कवर करूंगा। और आप देखिए टेलीग्राम को जो ज्वाइन करने बोलता हूं मैं, खुद के लिए नहीं आपके लिए ही बोलता हूं कि टेलीग्राम यदि आप ज्वाइन मत कीजिए आप सब्सक्राइब चैनल को, क्योंकि हो सके आपका अगर मन है, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे देखिए आप हर तरीके से बेल और आइकन को जो कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचा कि नहीं क्लास आ गई है। इसके लिए आपको दो ही काम करना होता है, या तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ऑल वाले सेक्शन में जाकर के, मन है तो, अगर आपको लगता है कि नहीं भैया इसके चैनल को क्यों सब्सक्राइब करेंगे तो मत करिए भैया, आप कम से कम टेलीग्राम को जाकर के ज्वाइन कर लीजिए ना उदित एकेडमी को, वहां से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आपके पास क्लासेस नहीं आएंगे, फिर आपको अचानक बाद में पता चलेगा क्लासेस आई हुई हैं तो एक साथ बहुत सारा क्लास हो जाएगा, फिर आप उसको कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बस बात यही होता है, ठीक है। और आप यदि नहीं सब्सक्राइब करोगे तो बहुत सारे बच्चे हैं सब्सक्राइब करने वाले, मैं सब्सक्राइबर के पीछे कभी नहीं भागता हूँ, ठीक है। अगर जेन्युइन कंटेंट दूंगा, ओरिजिनल कंटेंट दूंगा, तो बच्चे खुद ब खुद सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि उनका जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना उनको नोटिफिकेशन का जरूरत होता है। एक्चुअली में बात ऐसा होता है ना कि अगर नोटिफिकेशन नहीं आए तो लगातार कुछ दिन बाद आपको पता, यही तीन दिन बाद आप देखेंगे इस क्लास को, तो अभी तक मैं तीन दिन में पाँच क्लासेज और ले चुका हूँगा, तो आपके लिए वो बैकलॉग बन गया ना। इस प्रकार से अगर नोटिफिकेशन आता है तो आदमी के ऊपर एक प्रेशर बन जाता है, नहीं क्लास ले लिया जा चुका है अब मुझे भी क्लास करना है, ठीक है। तो इसलिए मेरा कहना रहेगा कि आप लोग रिवाइज करते रहिए, टेंशन मत लीजिए, मैं ये दोनों काम भी कंप्लीट करूंगा, पर डे दो क्लासेस होंगी। और टेलीग्राम पे ये होता है ना कि जैसे कि मान लीजिए आज का क्लास 10 बजे रात में अपलोड हो रहा है 9 बजे के जगह, क्योंकि क्लासेस रिकॉर्ड करने में थोड़ा लेट हो गया, समय लगता है ना थोड़ा, तो इसलिए लेट हो गया, तो मैं टेलीग्राम पे पहले ही अपडेट कर देता हूं कि थोड़ा आज क्लास लेट होगा, आप लोग रेडी रहिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल के मॉर्निंग वाले क्लास में, ओके बाय बाय, गुड नाइट।